والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين سبحان الله ما شاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله بہت اچھا محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایتی فضل اور کرم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان قریب نواز کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس بابرکت نورانی علمی و عرفانی ذکر اہل بیت کی پاک مجلس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے اور دوستو قربان جائیں اللہ کی رحمت پر اللہ نے آج ہمیں ذکر حسین و ذکر اہل بیت پاک کی اس بابرکت نورانی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں ماننے والوں ان کے دیوانوں ان کے عاشقوں میں پیدا فرمایا پیارے بزرگ اور دوستو میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ خود نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنے پیارے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب آپ فرما دیجئے پیارے بزرگ اور دوستو یہ خل پر ایک چھوٹی سی گفتگو کر کے انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹ کر آتا ہوں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا ہے وہاں وہاں اپنے پیارے حبیب کا بھی ذکر رکھا ہے جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں پیارے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے آپ کوئی ایسی جگہ پوری کائنات میں بتا ہی نہیں سکتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو
अब अगर कोई बता सकता है तो वो वहाबी बता सकता, सुन्नी तो नहीं बता सकता, है ना भाई? सुभान अल्लाह, क्योंकि हमको तो आज तक मिला ही नहीं ऐसी कोई जगह। जन्नत के दरवाजे पर अगर अल्लाह का नाम लिखा है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा है, अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, हर दुनिया की कायनात की हर मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह है तो साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी है। जो कुरान पाक में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है उसी कुरान पाक में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन भी है। जिस कुरान पाक में अल्लाह ने अपनी तारीफ तौसीफ अपनी हम्द बयान की है उसी कुरान में अल्लाह ने प्यारे मुस्तफ़ा की हम्द नात प्यारे मुस्तफ़ा की नात सना बयान फरमाई है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करें, कोई ऐसी जगह पूरी कायनात में आप लाकर दे जब मुअज्जिन यहाँ का नहीं, गुजरात का या हैदराबाद आपके महाराष्ट्र का मुअज्जिन नहीं, अमेरिका का मुअज्जिन भी, सऊदी अरब का मुअज्जिन भी, जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह सऊदी अरब का मुअज्जिन, चलने दो हजरत सलामत रहे, तकरीर में पैसे बहुत कम लोग देते हैं, बाज मरतबा तकरीर करने के बाद वेट करना पड़ता, नजराना देता नहीं देता, अपने सुन्नियों की हालत बहुत खतरनाक है। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों ये तो अल्लाह का शुक्र है हजरत जिंदा है सलामत है सुभान अल्लाह। तो आप जरा गौर करें, सऊदी अरब का मुअज्जिन भी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो साथ में अशहदु अन्न मुहम्मदर हौले फातिहा देने को लड़ रही, सलाम पढ़ने को लड़ रही, नबी की मिलाद करने को लड़ रही, अल्लाह क्या सिस्टम क्या निजाम बनाया, बोले बंदे अगर अजान में खुदा को याद करता है तो खुदा के महबूब को भी याद करना पड़ेगा, इकामत में खुदा को याद करता है तो खुदा के महबूब को भी याद करना पड़ेगा, कुरान पढ़ते वक्त खुदा की तारीफ और तौसीफ करता है तो साथ में नाते मुस्तफा भी तुझे अदा करना पड़ेगा, साथ में तुझे मेरे मुस्तफा की तौसीफ भी बयान करनी पड़ेगी। अब हद को देखो, नमाज खुदा की इबादत है, इसमें किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, मगर रब ने वैसी नमाज में भी जहां सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा खैरु जैसे पाक कलिमा अपनी तारीफ में रखे हैं तो उसी नमाज में अल्लाह ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जिस नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है उसी नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, नमाज में रब ने प्यारे मुस्तफा का भी जिक्र रखा है। कायनात की कोई ऐसी शय है ही नहीं जहां अल्लाह का जिक्र है और नबी का जिक्र। मैं एक यूनिवर्सिटी में बयान कर रहा था तो एक लड़का उठ के खड़ा हुआ, मौलाना साहब एक जगह है, मेरे को नहीं मिली, पैदा हुए जब से दिन में जिंदगी गुजार रहे, बड़े बड़े उलमा बुजुर्गों अदीबों अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे तो मेरे को एक जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ अल्लाह का जिक्र है और नबी का जिक्र नहीं है, ऐसी एक जगह नहीं मिली। इसको यूनिवर्सिटी के ये छटाक को कहाँ से मिली? आजकल इतने इतने जब है चूहे सही तरीके से दुम नहीं मालूम इस्लाम की नबी की जात पे हमला करने जा रहे बैठे, खींच के माँ पे तो तहारत का मसला नहीं बोल सकता पट्टा नहीं, वजू के फराइज बोला तो वाजिबात नहीं बोल सकता, वाजिबात बोला तो वजू की सुन्नते नहीं बोल सकता, नमाज में खड़ा तो दुआए खुलूत नहीं पढ़ सकता, इल्मे गैब मुस्तफा पे गुफ्तगू करने जा रहा है, क्या अल्लाह की लानत है देखो बदबख्तों पर, सही तरीके से अपने दादा के बाप का नाम नहीं बोल सकता, वाइट टू बी नोटेड
और उस हस्ती पर गुफ्तगु करने जा रहा है जिसके सदके से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। सुभान अल्लाह, क्या नालायक कौम पैदा हो गई है, कैसे बदबख्ते पैदा हो गए। पैदा अच्छे घरों में छुपे, बीच बीच में सटक जा रही। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। हाँ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो, सुनो। बोला बोला ना सर, एक जगह ऐसी है जहाँ अल्लाह का जिक्र है, हुजूर का जिक्र नहीं है। बोला वह कौन सी रे बड़े भाई, मैं खाना खाने की दुआ पढ़ता हूँ, اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه بسم الله وعلى بركه الله। अल्लाह का जिक्र है, हुजूर का नहीं है। अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, हुजूर का जिक्र। तीन चार दुआएं पढ़ दिया, मैं भी परेशान, अरे बाप रे बाप, क्या पॉइंट लाया पट्टा। मगर जब बदअकीदों की यलगार होती है तो मदीने से मदद भी होती है। मेरे इश्क ने मुझे जवाब दिया, नक्शबंदी साहब क्या ये हदीस भूल गए हो, क्या आमिना का लाल इरशाद फरमाता है, कोई दुआ उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होती जब तक दुआ से पहले मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र दरूद पाक नहीं कर लिया जाता। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد। आपको नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद खाना खाने की दुआ पढ़ या उसके बाद जनाजे की दुआ पढ़, वो तेरी मर्जी है। सुभान अल्लाह, अपने से बात करें तो सिर्फ जनाजा ही याद आता, इतना तो पक्का याद रखो आप। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह अल्लाह होकर देखो क्या शान रखा मेरे मुस्तफा की। मैं फूल के बारे में एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, जरा पहले जहन तैयार कर रहा हूँ ताकि सर्दी चले जाए गर्मी आ जाए। सुभान अल्लाह, नहीं फूल पे गुफ्तगू करता हूँ, जरा देखें। मगर पहले एक बात सुन ले, अल्लाह की भी क्या शान है। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर रहा, नमाज जनाजा रखा, पैदा हुए तो अजान और इकामत, राइट भाई, पैदा हुए तो अजान और इकामत। ये आवाज कम कर दिया, ये माइक वाले को भी कुछ टेंशन दिख रहा था, थोड़ा बढ़ा दे बेटा प्यारे, इस बाजू वाला भी नहीं गेने, थोड़ा बढ़ा दे बेटा। सुभान अल्लाह, ये पीछे वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रखे साहब को। सुभान अल्लाह, प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों जरा गौर करें, अल्लाह ने क्या कानून बनाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाए, अल्लाह ने नमाज जनाजा रखा, पैदा हुए तो अजान और इकामत, और इख्तिताम हुआ तो अब अजान इकामत नहीं। बोले क्यों, पहले हो गई ना हो, फिर अब क्या नमाज, अब क्या रखा अल्लाह नमाज, अब मरने के बाद नमाज, अब नमाज पढ़ी जा रही है। जरा गौर करके देखो, नमाज जनाजा, हालांकि तमाम नमाजें, चाहे ईद की नमाज हो, चाहे जुमा की नमाज हो, चाहे आपकी नमाज कुसूफ हो या नमाज खुसूफ हो, सूरज ग्रहण की नमाज हो, चांद ग्रहण की नमाज हो, या पंचगाना नमाज हो, या जुमा की नमाज हो, हर नमाज में जो अहम तरीन रुकन है, जो सबसे आला वो अफजल दर्जे का रुकन है, उस रुकन का नाम सजदा है। नमाज का सबसे बड़ा रुकन, फजीलत और अजमत का हामिल वो सजदा है। अब जरा गौर करो, अल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ने पूरे बंदों को हुक्म दिया, मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से शरीयत बनाया, आका का अमल आप इस बात पर खाइम वो दाइम करनाया कि ए प्यारे मुस्तफा, अब आप जरा अपनी उम्मत को नमाज जनाजा बता दो। मगर आओ प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जो हर नमाज में सजदा, जो खुदा का सबसे बेहतरीन अमल, खुदा के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है, बंदे का सबसे बेहतरीन अमल है, अल्लाह जिस अमल को पसंद करता है, जिससे बंदे को खुर्बता करता है, वो सजदा नमाज़े जनाजा में रब ने नहीं रखा। रुकू नमाज़े जनाजा में नहीं है, खौमा नमाज़े जनाजा में नहीं है, खायदा नमाज़े जनाजा में नहीं है। मगर खायदा नहीं है, मगर गौर करो मुसलमानों, क्या मेरे मुस्तफा की शान है, रब ने नमाज़े जनाजा में जहां सजदा रुकू खौमा खायदा नहीं रखा, वहां पर कुरान की तिलावत भी नहीं रखा। सुभान अल्लाह, पूरी नमाज जनाजा में हम हनफियों के पास कुरान की तिलावत,
हनफियों के पास कुरान की तिलावत नहीं है, जहां कुरान भी नहीं है, तस्बीह भी नहीं है, सुभान रब्बियल आला नहीं है, सुभान रब्बियल अजीम नहीं है, जहां अत्तहियात शरीफ नहीं है, जहां दुआए मासूरा नहीं है, जहां सजदा नहीं है, जहां रुकू नहीं है, अपनी इबादत के इतने मखसूस चीजों को रब ने निकाल दिया। मगर गौर करो शाने मुस्तफा, अल्लाह ने उस नमाज़े जनाज़ा में से अपने मुस्तफा का जिक्र नहीं निकाला, अपने हबीब का जिक्र नहीं निकाला। रब ने कहा बंदे पहली तकबीर का अपने रब की सना बयान कर, दूसरी तकबीर का मेरे मुस्तफा की तारीफ बयान कर, मेरे नबी पर दरूद पढ़, अब तीसरी तकबीर कर मैयत के लिए दुआ कर, सुभान अल्लाह, चौथी तकबीर कर अपने लिए सलामती की दुआ कर, सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खुदा खुदा होकर अपनी इबादत में से मखसूस अरकान को निकाल दे मगर जिक्र मुस्तफा को ना निकाले, अल्लाह अल्लाह होकर अपने नबी को इतनी इज्जत दे रहा है, हम मौलवियों के कितनी देना चाहिए, अल्लाह अल्लाह होकर अपनी इबादत में उनका जिक्र नहीं निकलने देता, और हम लोग अपनी मस्जिदों में से, अपने मदरसों में से, अपनी खानकाहों में से, अपने घरों में से नबी और आले नबी का जिक्र कैसे निकलने देंगे? सुभान अल्लाह। देंगे नहीं? जरा जोर से बोले नहीं। जिक्र मुस्तफा ही हमारी मगफिरत का सामान है, जिक्र मुस्तफा हमारी मगफिरत का सामान है। देखो एक मिसाल देता हूँ, सालन है, सालन है, खाते फिर ऐसा घूर के देख रहे क्या? महाराष्ट्र में नहीं बनता क्या? बनता। सालन है सालन, बेटे जरा ये मुंतजिमीन थोड़े कुर्सियां डाल दे, वरना वो बेचारे वहीं कांग्रेस का जलसा सुने जैसा सुनते उन लोग, डालो यार, बस दो चार जने उठो पूरे नको टो पूरा जल से जाके कुर्सियां डालते क्या? सुभान अल्लाह। इधर पलट के देखे एक बार दबा दरूद पाक पढ़ना, सुभान अल्लाह मुहम्मद वाला हबीब ना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिक व असहाबिका व सल्लम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खौफ करो, सुनने और समझने वाली बात है कि देखो सालन बनाते हम लोग नहीं, उसमें 25 किस्म के आइटम्स मिलाते हैं, तेल लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, आप क्या क्या आइटम उसके अंदर मिलाते हैं, करी बनाते हैं, सब मिलाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई नमक मिलाना भूल गया तो जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और सालन इतना बहुत हो, नमक की कोई इसमें वैल्यू नहीं है, इतने सालन में इतना नमक नहीं मिलाते जी, इतने सालन में इतना नमक मिलाते, चुटकी भर नमक, चमचा भर नमक मिलाते हैं तो वो पूरे सालन को मजेदार बना देता है। इसी तरह जब पाप की 60 साल 70 साल जिंदगी में इश्क़े मुस्तफा आ जाता है तो जिंदगी भी नूरानी हो जाती है, मोहब्बत वाली अजमत वाली हो जाती है, जिंदगी भी बड़े मजेदार हो जाती है। ये बड़े खड़ूस लोग हैं जो इश्क़े रसूल के बगैर रुखे जिंदगी गुजारते हैं, नहीं रुखे।